Section 27, restraint in trade. एक मिनट, देखिए अभी हम लोगों ने जो शून्य करार पढ़ा, शून्य करार कौन कौन से होंगे, 24 से 30 बताया गया, एडिशनल 56 बताया गया, तो 24, 25, 26 हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। तो अब देखते हैं जो अभी विवाह संबंधी, विवाह में किसी के अगर अवरोध किया जा रहा है, कोई ऐसी बात की जा रही है जिससे किसी की शादी रोक दी जाए, कोई एग्रीमेंट ऐसा किया जा रहा है, वो बिना प्रतिफल का कोई करार है, वो अगर किसी एग्रीमेंट में उद्देश्य या जो कंसिडरेशन है, ऑब्जेक्ट है, वो पार्शियली भी अगर अनलॉफुल है, वो तो ये 24, 25, 26 हम लोगों ने पढ़ा, जिसमें कहा गया है कि शून्य कब होंगे करार। अभी आगे पढ़ेंगे, आज थोड़ा सा लंबा है, कोशिश करेंगे कि जल्दी कवर हो। रिस्ट्रेंट इन ट्रेड, अगर कोई करार किया जा रहा है, कोई एग्रीमेंट किया जा रहा है किसी को व्यापार करने से रोकने के लिए, अवरोधी, अवरोधी माने अवरोध उत्पन्न करना, रोकना, तो इतना तो आप जान ही रहे होंगे कि ये एक तरह से मौलिक अधिकार की तरह है, जो आपको संविधान ये अधिकार देता है कि आप कोई भी बिजनेस, प्रोफेशन, ट्रेड आप अपना सकते हैं। और अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहें कि हम भाई कोई करार कर ले रहे हैं और किसी को एक्सक्लूड कर देंगे व्यापार करने से, कोई बिजनेस या प्रोफेशन अडॉप्ट करने से, तो वो वहां क्लियर कट लिखा है कि वो शून्य होगा, और ऐसा धारा 27 में लिखा है। बेयर प्रोविजन क्या है उसको देखने की जरूरत है। धारा 27 कहता है कि एवरी एग्रीमेंट बाय विच, हर एग्रीमेंट जिसके द्वारा एनीवन इज रिस्ट्रेन्ड फ्रॉम एक्सरसाइजिंग, एक्सरसाइजिंग व्हाट, लॉफुल प्रोफेशन, ट्रेड और बिजनेस। लॉफुल होना चाहिए, बिजनेस, प्रोफेशन और ट्रेड, ये तीन चीज, और एक कुछ आगे कह रहा है उसको देख लेते हैं। कहा गया और एनी बिजनेस ऑफ एनी काइंड, ये जो है ना, मतलब ये जो लॉफुल है ये एनी काइंड के हो सकते हैं, किसी तरह के हो सकते हैं, बस लॉफुल होने चाहिए। फिर आगे क्या होता है, इज टू दैट एक्सटेंट वॉइड, अगर आपने कोई ऐसा करार किया तो जिस सीमा तक उसको आप लागू कराना चाह रहे हैं, जिस सीमा तक आपको व्यापार करने से रोका जा रहा है, वो एग्रीमेंट उस सीमा तक शून्य होगा। ठीक है, तो ये आपका केवल इतना कहता है, तो इतने भर से तो काम चलना नहीं है। इसमें नीचे एक एक्सेप्शन दिया है, उसको देख लें। एक्सेप्शन क्या दिया है, सेविंग ऑफ एग्रीमेंट नॉट टू कैरी ऑन बिजनेस ऑफ विच गुडविल इज सोल्ड। अगर किसी किसी व्यवसाय की गुडविल, आप समझते होंगे, अगर कॉमर्स का कोई स्टूडेंट होगा तो वो जो समझेगा, अभी हम इस पर आगे जब पूरा विश्लेषण करेंगे तो उस पर चर्चा करेंगे। तो अगर किसी व्यापार की गुडविल बेच दी गई है तो उस व्यापार को वो नहीं करेगा, ये इसका अपवाद है। अब हम सीधे से मुद्दे पे आते हैं कि जैसा बताया कि संविधान द्वारा ये प्रदत्त अधिकार है कि सब व्यक्ति ये बिजनेस, प्रोफेशन, ट्रेड, इनको, इनकी हिंदी तीनों की एग्जैक्टली क्या है, वृत्ति, व्यापार या कारोबार, ठीक है, वृत्ति ये होती है, देख लीजिए भाई हिंदी वाले जरा ध्यान रखिएगा, वृत्ति प्रोफेशन होती है, बिजनेस व्यापार होता है, ट्रेड को कारोबार मान लो, ठीक है। तो
हम देखते हैं कि थोड़ा सा इंग्लिश लॉ पे जाएंगे कि वहां पे क्या स्थिति है इसके संदर्भ में, यहां पे इंडिया में इससे संबंधित कब प्रश्न खड़ा हुआ कि यह धारा 27 का स्कोप क्या है, किस सीमा तक, जो कहा गया ना अप टू दैट एक्सटेंट, वो एक्सटेंशन लिमिट क्या होगी, यानी धारा 27 के स्कोप की जो डिटर्मिनेशन की बात आई, दैट वॉज फर्स्ट केम इन केस ऑफ मधुप चंदेल वर्सेस राजकुमार, यहां लिखा हुआ है, ठीक है। तो मधुप चंदेल वर्सेस राजकुमार का ये हाईकोर्ट कलकत्ता, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम द व्हाट शुड बी द स्कोप ऑफ 27, ये जो क्वेश्चन आया ये इस केस में आया, मधुप चंदेल वर्सेस राजकुमार। इसमें क्या था कि एक मोहल्ले में दो व्यापारी होते थे जो लगभग एक ही तरह के अपना काम करते थे, तो जो इसमें बाती है मधुप चंदेल, इसको कहा गया दूसरे वाले से कि तुम अपना ये बिजनेस उसने थोड़ा यहां समेट के कहीं और जाओ करो, तो हमारा भी चले, इसके बदले तुम कुछ पैसे ले लेना, यहां बंद करो। ये सोचा चलो ठीक है कहीं भी कर लेंगे, पैसे यहां से मिल जा रहे हैं कहीं और कर लेंगे, समेट के उधर चला गया। बाद में इसने पैसे देने से मना कर दिया राजकुमार ने, पैसे देने से मना कर दिया तो क्या होगा, कोर्ट केस। तो कोर्ट केस में जो निकल के आया कि इसका स्कोप क्या होगा वो ये था, तीन बिंदुओं पे उन्होंने बात की, तीन बिंदुओं में उसको बताने की कोशिश की कि रेस्ट्रेन फ्रॉम एक्सरसाइजिंग लॉफुल प्रोफेशन, अगर किसी चीज को हम लॉफुल प्रोफेशन में रोकते हैं उसको करने से, तो उसका यह मतलब नहीं हुआ ये मतलब नहीं होता है डू नॉट मीन एन एब्सोल्यूट रेस्ट्रिक्शन, उसका यह मतलब है आपको पूरा उसको रोक लगा दे, ठीक है, रोक नहीं लगेगा पूरा उसमें वो शामिल नहीं है, मतलब धारा 27 में जो है ये चीज, इसको इलेबरेट किया गया, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा कि धारा 27 केवल एब्सोल्यूट जो रेस्ट्रिक्शन है उसी की बात नहीं करता है, कहने का आशय यहां ये है कि धारा 27 केवल एब्सोल्यूट रेस्ट्रिक्शन की बात नहीं करता है, वो बात करता है पार्शियल रेस्ट्रेंट की भी, अगर वहां आपने आंशिक उस पर क्या हुआ पार्शियल, जैसे फुल रेस्ट्रेंट क्या होता, कंप्लीट रेस्ट्रेंट क्या होता, कि उसको कह दिया जाता तुम ये बिजनेस ही अब नहीं करोगे, ठीक है, तो ये ऐसी बात नहीं थी, लेकिन वो कहता है कि फुल तो फुल आप पार्शियल रेस्ट्रेंट भी नहीं लगा सकते, ठीक है, और रेस्ट्रिक्शन लिमिटेड टू सम पर्टिकुलर प्लेस, आप एक पर्टिकुलर प्लेस पे भी उसको बिजनेस करने से नहीं रोक सकते, ऐसा धारा 27 का जो एक विश्लेषण था ये मधुप चंदेल में किया गया कि केवल एब्सोल्यूट ही उसमें नहीं है, भाई ये बहाना लिया जा सकता है ना, मैंने उसको पूरा नहीं रोका था वो तो नहीं बिजनेस कर सकता है, और धारा 27 में ये नहीं कहा गया है कि पूर्णतया रोक लगाई जाए, आंशिक लगा सकते हैं, लेकिन इसमें कहा गया कि पूर्णतया की बात नहीं है, आप आंशिक भी नहीं लगाओगे, कहीं पर्टिकुलर प्लेस को भी लिमिटेड नहीं करोगे, जिसको जहां मानो वहां लॉफुल बिजनेस ट्रेड प्रोफेशन अपना करे। उन्होंने कहा कि क्यों नहीं होगा, एब्सोल्यूट क्यों नहीं होगा, उन्होंने फिर उस केस में रेफर किया हुआ है कि आप अगर थोड़ा सा धारा 28 देखें, अभी देखें धारा 28 में क्या कह रहा है कि पहला 28 का ए पढ़िएगा, बाय विच एनी पार्टी देयर टू इज रेस्ट्रिक्टेड एब्सोल्यूटली, एब्सोल्यूटली शब्द यहां है, तो कोर्ट ने कहा कि अगर कुछ ऐसा आशय होता जो विधान निर्माता है, जो लॉ को जिन्होंने बनाया है उनका यह आशय होता कि धारा 27 तभी लागू होगी जबकि फुल्ली रिस्ट्रेंट हो, एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट हो, तभी हम धारा 27 को लागू करेंगे, अगर ऐसा विधि निर्माताओं का जो लॉ मेकर्स थे उनका कोई इंटेंशन रहा होता तो वो जैसे धारा 28 में उन्होंने एब्सोल्यूटली शब्द डाल दिया है वैसे यहां भी डाल देते कि अगर रेस्ट्रेंट एब्सोल्यूट है तभी वो शून्य होगा, यहां ऐसा कुछ नहीं पड़ा है इसलिए जो इंटरप्रिटेशन हुआ, देखिए मैंने कल भी बताया था कि लॉ जो होता है उसका इंटरप्रिटेशन कोर्ट्स का काम होता है, बन तो गया अगर कहीं सीधे सीधे लॉ में कोई चीज फिट बैठी निकल गई तो निकल गई, लेकिन अगर कहीं मामला फंसा
तो उसको इंटरप्रेट करते हैं कि संविध निर्माताओं का जो कानून के निर्माता थे उनका उद्देश्य क्या रहा होगा उसको देखते हुए। तो उन्होंने कहा कि केवल एब्सोल्यूट ही नहीं, पार्शियल भी उसमें आएगा, प्लेस के रिगार्डिंग अगर कोई रेस्ट्रिक्शन है तो वो भी आएगा। तो दिस वॉज द फर्स्ट केस रिलेटेड टू स्कोप ऑफ 27 इन इंडिया, ठीक है, मधु चंदेह वर्सेस राजकुमार। तो ये जो एक प्रिंसिपल लेट डाउन हुआ इसमें ना, ये समझ लीजिए अभी तक चल रहा है। यहां पे केवल ये मतलब नहीं था कि आप 3 पॉइंट्स पे मैंने बताया, उसको आपने सुना नहीं क्या, कि केवल एब्सोल्यूट रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है इसमें पहला, दूसरा पार्शियल रेस्ट्रिक्शन भी इसमें शामिल है, तीसरा अगर स्थान विशेष से संबंधित कोई रेस्ट्रिक्शन हुआ तो वो भी इसमें शामिल है। ये हम नहीं कह सकते कि हमने इस जगह पे करने से मना कर दिया तो इसको हम व्यापार करने से थोड़ी रोक दिया, नहीं आपने रोक दिया, आपने रोक दिया, ये इसमें शामिल होगा, वो वाइड माना जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं इसी तरह से 2-3 केसेस आप छोटे छोटे लिख लेंगे। एसके कालू वर्सेस राम शरण भगत, एसके कालू वर्सेस राम शरण भगत, इसमें भी यही कुछ कहा गया कि सभी पहली बात तो ऊपर हो गया कि सभी प्रकार के अवरोध, वो कोई भी प्रकार का अवरोध हो वो वॉइड होगा, इसमें भी यही कहा गया, चाहे वो एब्सोल्यूट हो, एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट, पार्शियल रिस्ट्रेंट, पार्शियल रिस्ट्रेंट, कंडीशनल रिस्ट्रेंट, मतलब कोई उसमें शर्त लगा के, या जिसको कहते हैं कि प्रतिबंधित या अप्रतिबंधित, कंडीशनल या अनकंडीशनल, तो मतलब किसी भी तरह का अगर कोई अवरोध व्यापार में लगाया जा रहा है किसी एग्रीमेंट के तहत, तो वो सारे एग्रीमेंट वॉइड होंगे, ठीक है ना। इसी तरह का एक केस और पढ़ने को, देखिए बहुत है बुक में, सारी बुक है, मैं ज्यादा इस पे समय दूंगा तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। सिद्धांत सिर्फ यही यहां पे आया है कि किसी भी तरह का अवरोध जो है व्यापार में, एनी काइंड ऑफ रिस्ट्रेन टू द ट्रेड वुड बी वॉइड, विल बी वॉइड, आप कहें शैल बी वॉइड कहें, ठीक है। तो कालू राम का मामला यहां हो जाता है। अब थोड़ा सा हम चलते हैं इंग्लिश लॉ पे। इंग्लिश लॉ में क्या है, बहुत सीधे आप जानिए एक लाइन में कि वहां पे रेस्ट्रिक्शंस हैं, जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो वॉइड की श्रेणी में और जाती हैं और वॉइड नहीं भी जाती हैं। उसको अभी हम देखते हैं कैसे और कहां। एक केस आप देखेंगे तो नॉर्डनफेल्ट, NORDENFELT वर्सेस मैक्सिम नॉर्डनफेल्ट गन्स एंड एम्युनिशंस कंपनी लिमिटेड, गन्स देखिए लीडिंग केस इन इंग्लिश लॉ। इसमें क्या हुआ, ये अभी जो मैंने ख्याति का विक्रय की बात की ना, कुछ उससे रिलेटेड है, लेकिन अभी यहां पे केवल आप कॉन्सेप्ट समझिएगा। अपने यहां हर तरह का अवरोध शून्य माना गया। यहां क्या कहा गया, इसमें एक नॉर्डनफेल्ट जो थे वो कह सकते हैं गन और इन सबके आविष्कारक टाइप थे, उन्होंने उसको बनाने की शुरुआत की। फिर उन्होंने कुछ समय बाद अपना जो गुडविल था, गुडविल ख्याति समझिएगा, अभी बाद में बता देंगे, अपनी गुडविल उन्होंने दूसरी कंपनी को बेच दी, ठीक, दूसरी कंपनी को बेच दी। किस शर्त पे, इस शर्त पे दो शर्तें थी, देयर वर टू कंडीशंस। पहली क्या थी, 25 साल तक
25 साल तक वो खुद कोई व्यवसाय ये वाला नहीं करेंगे, ठीक है, नॉट टू प्रैक्टिस द सेम ट्रेड फॉर 25 इयर्स, सेम ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। और दूसरी बात क्या कही कि जिसने कंपनी ने खरीदा था जब तक वो उस व्यवसाय में रहेगी तब तक ये कहीं भी उससे जो कंपीट करता होगा, जो प्रतियोगी कोई व्यापार होगा, सेम तरह का कोई और कंपनी होगी, उस तरह का न कोई काम करेंगे और न कहीं इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। पहला खुद नहीं करेंगे और कहीं उस तरह का जो ट्रेड होगा उसमें इन्वॉल्व भी नहीं होंगे। बाद में उन्होंने क्या किया, जिन्होंने अपनी गुडविल बेची थी, पहला वाला तो ठीक था, खुद अपना कुछ नहीं किया, लेकिन क्या किए, He entered into agreement with other manufacturer of guns and ammunition. वो दूसरे जो एक दूसरी कंपनी थी उसके साथ जो जिन्होंने अपनी गुडविल बेची, नॉर्डन फील्ड जाके मिल गए। अब क्या होगा, तो पहला वाला तो ठीक है, फुलफिल कहीं ना कहीं हो रहा है, दूसरा वाला जो उन्होंने शर्त लगाई थी कि आप इस तरह का कोई प्रतियोगी व्यवसाय जहां होगा वहां पे आप नहीं जाएंगे, नहीं करेंगे ऐसा काम, ये वाला क्लास थोड़ा अटक रहा था। तो जिसने गुडविल परचेज की थी, पैसा दिया था, तो वो कोर्ट जाता है, कोर्ट में यही डिसाइड होता है कि जो पहला वाला सेक्शन है, पहला वाला जो कंडीशन है कि वो अपने आप को नॉट टू प्रैक्टिस द सेम ट्रेड 25 साल तक, ठीक है, यहां तक हम एग्री करते हैं, कोर्ट ने कहा यहां तक एग्री इसलिए करते हैं कि उस बंदे ने आपको पैसा दिया है और आप ही करना शुरू कर दोगे तो फिर आपका तो ख्याति एक है ना, ख्याति जिसको बोलते हैं, तो वो ख्याति आपको सारे ग्राहक जो होगी आपकी तरफ खींच लाएगी। अभी जब ख्याति की बात करेंगे तो उसमें ये सब चीजें रिपीट होगी, तो इसलिए आपको तो नहीं करना है। लेकिन उसने कहा कि ये जो है ना, ये पार्टीज के इंटरेस्ट, दो चीजों को ध्यान रखिएगा, इन रेफरेंस विद इंटरेस्ट टू पार्टीज और पब्लिक इंटरेस्ट, इन दोनों को अगर ध्यान में रखा जाए तो जो दूसरा वाला है कि उसको आप हमेशा हमेशा के लिए पंगू बना दो, कहीं कुछ नहीं तो नौकरियों नहीं कर सकते, तो ये थोड़ा ठीक नहीं है। तो पहले वाले को तो उसने फॉलो कर लिया, लेकिन दूसरे वाले के लिए मना कर दिया कि नहीं, ये वाला जो आपका अवरोध आप लगाना चाह रहे हो ये हम नहीं मानेंगे, ठीक है, लोक हित में, ये जो है ना पब्लिक इंटरेस्ट, लोक हित और पक्षकारों का हित, भाई हिंदी अंग्रेजी दोनों वाले कहीं कोई टर्म में प्रॉब्लम हुआ करे तो बेहिचक पूछ लो, पूछने में कोई चीज मुझे मनाई नहीं है, बस रिलेवेंसी होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि कभी कभी हिंदी का कोई इंग्लिश में मैं नहीं बताता हूं, हिंदी वाले का इंग्लिश वाले का हिंदी में नहीं बताता हूं, तो किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लिया करो यार। तो ऑल रेस्ट्रेंट्स ऑफ ट्रेड इफ देयर इज नथिंग वेयर आर कंट्रेरी टू पब्लिक पॉलिसी एंड देयरफॉर वाइड, अगर कोई चीज ऐसी है जो कि पब्लिक पॉलिसी में नहीं हो रही है उसके लोकहित में, लोकहित में क्या हुआ, लोकहित का मतलब ये हुआ ना कि आप किसी को समाज में कोई चीज करने से ही रोक दे, प्लस पक्षकारों का हित प्रभावित हो रहा है, अगर है सोसाइटी देखे तो वो भी कहीं ना कहीं दिक्कत करेगा, तो ये था कि पक्षकारों हित और लोकहित में देखते हुए हम उस पर प्रतिबंध नहीं लगाएंगे। तो वहां पे जो एक बात आई ना कि रीजनेबिलिटी की बात आती है, मैं शॉर्ट में आपको लेके चल रहा हूं, थोड़ा सा आप देखिएगा समझ में, लेकिन सारे ड्रग्स बता रहा हूं, जो इंग्लिश का पे हुआ वहां जो वहां पे जो रेस्ट्रिक्शन लगाया गया वो रीजनेबिलिटी के आधार पे युक्तियुक्त होना चाहिए, ठीक है, और अगर अयुक्तियुक्तता होती है उनका अपने पैरामीटर्स है, वो हर केस बाय केस जो होगा वो डिफर करेगा, उस पर देखेंगे वो रीजनेबल था रिस्ट्रिक्शन जैसे इसमें था तो दूसरा वाला रीजनेबल उनको नहीं लगा, उन्हें हटा दिया। तो ये वहां पे एक जनरल रूल है कि इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए हम रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, ठीक है। लेकिन क्या बात है,
जो रीजनेबिलिटी होगी ध्यान रखिएगा इन्हीं दोनों चीजों पे जाएगी कि पक्षकारों का हित क्या है और लोकहित की मांग क्या है, उसके आधार पर रीजनेबिलिटी को निर्धारित किया जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके अलावा कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। ठीक है, तो एक्सेप्शंस लगभग सेम है जो अपने इंडिया में है वहां है, तो उसके अलावा क्या है एक्सेप्शंस, एक्सेप्शंस जो होंगे वो हर पर्टिकुलर केस के हिसाब से, चूंकि वहां का है मसला तो वो लोग अपने पर्टिकुलर केस के हिसाब से देखेंगे रीजनेबिलिटी क्या होगी, उसके हिसाब से उस पर वो एक्सेप्शंस को भी क्रिएट करेंगे। अपने यहां क्या है ध्यान रखिएगा, एक मिनट में बताता हूं। इंडिया में क्या है, देखिए यहां पे क्या हुआ, केवल इन आधारों पे केवल रोक लगाई जाएगी, अगर उनको रीजनेबिलिटी समझ में आती है तो फाइट करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन इंडिया में क्या है, यहां पे कह सकते हैं कि स्कोप खुला हुआ है, और इंडिया में क्या है, भारत में जो प्रतिबंध लगाए जाएंगे जो रिस्ट्रेंट्स हैं वो सेट हैं, सेट पैटर्न के आधार पे रिस्ट्रेंट लगाए जा सकते हैं या नहीं लगाए जा सकते हैं। ठीक है, जो वायर्ड किया जाएगा वो तो ठीक है एब्सोल्यूट होगा, वो होगा सारी चीजें हैं, लेकिन जो उसके एक्सेप्शन हैं वो एक्सेप्शन हम दो पार्ट्स में देखेंगे अभी। जो अपवाद है जहां पे व्यापार अवरोधी करार शून्य नहीं होता है वो दो पार्ट्स में है, एक पहला जो है वो है कि जो आपके इस अधिनियम में दिया गया है, ठीक है, स्टैट्यूटरी जो आपके प्रोविजंस हैं, स्टैट्यूटरी प्रोविजंस जो हैं उनके आधार पे, अभी आप जब आगे पढ़ेंगे इसमें तो देखेंगे अपवादों की कुछ बातें की गई हैं, और जो इसमें दिया गया है प्रावधान जो संविधान जो आपके विधि में दिया गया है, विधि का जैसे अभी आपने नीचे अपवाद देखा, क्या है अपवाद, सेल ऑफ गुडविल, ठीक, चाहे आप यही देख लें स्टेट्यूटरी प्रोविजन में एक आएगा सेल ऑफ गुडविल, यहीं पे बना ले बाद में हम इसको नहीं बनाएंगे। मैं इसको यहां पे इसलिए रेफर कर रहा हूं कि इंग्लिश में और इंडियन लॉ में जो ये कॉन्सेप्ट है वो क्या है, यहां पे ओपन इन्होंने अपना मैं रखा है गेम इसमें, एक अभी मैं आपको बताऊंगा एसओ पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड वर्सेस हार्पर्स गैरेज का है कुछ मामला, उसमें एक यही सुन लीजिए, इस केस में यहां लिख दो भाई एसओ पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड वर्सेस, देख तो रहा है ना सबको, वर्सेस हार्पर्स गैरेज लिमिटेड, एच ए आर पी ई आर एस जी ए आर ए जी ई लिमिटेड। इस केस में विल्बर फोर्स थे, कौन थे, लॉर्ड विल्बर फोर्स, अभी हम केवल इतना चल रहे हैं कि क्या है वास्तव में इंडिया में और यहां पे इंग्लिश में, तो लॉर्ड विल्बर फोर्स ने क्या कहा, एसओ पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड वर्सेस हार्पर्स गैरेज लिमिटेड, एक शब्द उसमें और है उसको देख लीजिएगा, इसमें कहा कि जो ये हम इसको डिसाइड कर रहे हैं ना अपवाद, इसको थोड़ा फ्लूइड रहना चाहिए, मतलब हमको स्कोप रहना चाहिए, हम जहां चाहे रीजनेबिलिटी के आधार पे उसको डिसाइड कर सके, हमको कहीं फिक्स नहीं करना है अपने को, एक सेट लॉ में नहीं बांधना है, क्योंकि ये थोड़ा मामला जो है ठीक नहीं है, कभी भी किसी के साथ व्यापार संबंधी और कोई भी प्रश्न खड़ा हो जाएगा तो उसको हमें इस हिसाब से देखना है कि हम उसमें अपना रास्ता निकाल सके। लेकिन अपने यहां क्या हुआ, स्टेट्यूटरी प्रोविजंस, और उसके बाद दूसरा क्या है, जो आपके लीगल इंटरप्रिटेशंस हैं, यानी कह सकते हैं कि केस लॉस का जो डिसीजन है
इनके आधार पे समय समय पे जो केस गए हैं उनके आधार पे जो निर्णय किया गया है कि ये चीज अपवाद होगी नहीं होगी वो भारतवर्ष में है। तो दो ही चीजों का एक्सेप्शन है, यहां पे खुला हुआ है मामला, इधर रेस्ट्रिक्टेड है, इधर इंग्लिश लॉ में खुला हुआ है। इतना तक अभी आपको समझना है, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है,